सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। जिंदगी में हमें सिर्फ दो चीजों की दरकार है। जिंदगी में हमें सिर्फ दो चीजों की दरकार है, एक वक्त, दूसरा प्यार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। और आज प्यार, इश्क, मोहब्बत की ही बातें करने वाले हैं मैं और आप, क्योंकि आज गाने ही कुछ ऐसे चुनकर आई हूं मैं आपके लिए। 70 का वो दशक बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा समय था जब एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में, प्यार भरी स्टोरीज, सभी कुछ ऑडियंस के लिए दी हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो या फिर ऋषि कपूर हो, हर एक इंसान लव स्टोरीज के ही पीछे पड़ा हुआ था। सब कोई हीरो बनना चाहते थे अपनी हीरोइन के लिए। तो ऐसी ही कुछ फिल्मी बातें करूंगी आज मैं आपके साथ। छुपी हुई लव स्टोरीज बताऊंगी आपको, फिल्मी दुनिया की, रील और रियल लाइफ दोनों लाइफ की स्टोरीज जो हैं, लव स्टोरीज जो हैं, वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो आज के गाने जो हैं वो 70 के दशक के कुछ रोमांटिक गाने होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे यादों की बारात फिल्म से, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इस गाने के साथ। बिकॉज व्हेन आई थिंक ऑफ रोमांस, इस गाने के बारे में मैं ना सोचूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुनिए ये गाना और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मैं कि कैसे जो शाहरुख खान ने किया 90s के जमाने में, वो राजेश खन्ना 70 के दशक में ही कर चुके थे। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। जाऊंगा लुट
घुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा, हंसी लबों की लाली को सजाऊंगा, लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा, हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सारे गामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है, क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s के जमाने का गाना छैया छैया बड़ा फेमस हुआ था, क्यों? क्योंकि उसमें ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान मलाइका अरोरा खान के साथ ठुमके लगा रहे थे। अलग किस्म का एक एडवेंचर था जो कि इस गाने में दिखाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एडवेंचर एक्चुअली पहली बार 70s के जमाने में राजेश खन्ना जी और जीनत अमान ने मिलकर के किया था। आज जो मैं गाने आपको सुना रही हूँ वो मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से सुना रही हूँ, और ये गाने खास तौर पर 70 के दशक के रोमांटिक गाने हैं। आई होप आप इसे इस एपिसोड को आज अकेले नहीं एंजॉय कर रहे हैं बल्कि किसी और के साथ बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। वैसे जैसा मैं आपको बता रही थी, 70s के ज़माने में 1974 में फिल्म आई थी अजनबी, और इस फिल्म में ही गाना था हम दोनों दो प्रेमी। इस गाने के साथ में पहली बार एक 4 मिनट का पूरा गाना एक ट्रेन के ऊपर शूट किया गया था। इसके पहले कभी भी एक ऐसा स्टंट जो है उसे अटेम्प्ट नहीं किया गया था। काफ़ी दिक्कतें आई थी इस गाने को शूट करने में, राजेश खन्ना जी जीनत अमान दोनों को ऐसा दिखने में कि उनको डर नहीं लग रहा है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन यू नो हाउ द सॉन्ग टर्नड आउट टू बी सो ब्यूटिफुल। वैसे इस फिल्म का जो दूसरा गाना था एक अजनबी हसीना, वो गाना इंग्लिश में अडाप्ट हुआ था। जहाँ एक तरफ आज की तारीख में हम इंग्लिश गानों को अडाप्ट करते हैं और हिंदी बना देते हैं, उस ज़माने का ये गाना जो था वो इंग्लिश में अडाप्ट किया गया था। द सॉन्ग वॉज कॉल्ड स्काई इज़ ब्लू। आपको पता है वैसे जीनत अमान जी की ये पहली फिल्म थी राजेश खन्ना जी के साथ, और जीनत अमान जी चाहे राजेश खन्ना जी के ऑपोजिट थी लेकिन उन्हें काका जी कह कर के ही बुलाती थी, और एंड तक काका जी ही कह कर के बुलाया उन्हें। फिलहाल चलिए इसी फिल्म से आपको गाना सुनाते हैं, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और दो हसीनाओं के बीच में हुआ था झगड़ा 70 के दशक में, शर्मिला टैगोर जी और आशा पारेख जी के बीच का कोल्ड वॉर। क्या था ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, स्टे ट्यून्ड। हसीना से यूं मुलाकात
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। आए बर्फीली राहों से ला 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 पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से। शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें।
की बरखा है, खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला, रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। छुपाया है तेरी पलकों का साया है। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे सारे गामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Hey, kya ga rahi hai? Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke aise nahi ga ke sunao na. Ga ke acha do lafzon ki hai dil ki kahani ya hai muhabbat ya hai jawani do lafzon ki tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. Dil ki baaton ka matlab na poocho, kuch aur humse bas ab na poocho. Dil ki baaton ka matlab na poocho. La la la
जागने से रुत है सुहान या है नौबत या है जवान। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गाना था, दो लफ्जों की है कहानी। सुना आपने वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं हूँ रुचि आपके साथ। बात कर रही हूँ आज मैं 70 के दशक की और उसी ज़माने के कुछ रोमांटिक गाने चुरा के लेकर आई हूँ आपके लिए। आई होप आज की ये प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वो आपको पसंद आ रही है। सभी गाने जो हैं वो आप एंजॉय कर रहे हैं, किसी ना किसी की याद आपको ये गाने दिला रहे हैं। वैसे राजेश खन्ना जी अपने प्राइम पर थे, 70s का वो समय जो था उसमें द ओनली सुपरस्टार, इफ देयर वाज दैट वन सुपरस्टार जिसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था तो वो थे राजेश खन्ना जी। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों ही तरफ से हीरोइंस जो थीं वो राजेश खन्ना जी के साथ में रोमांस करना चाहती थीं। 3 फिल्में बैक टू बैक जब की थीं राजेश खन्ना जी ने, आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, उस समय पर तो ये इतने ज़्यादा डिमांड में आ गए थे कि सभी को इनके साथ में काम करना चाहता था। कटी पतंग फिल्म के साथ में ना सिर्फ राजेश खन्ना जी बल्कि दो और लोग थे जिनका करियर खूब चढ़ गया था, और वो दो लोग और कोई नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा जी और बिंदु जी थी। कैलाश और शबनम का कैरेक्टर जो प्ले किया था इन दोनों ने, इसके बाद में इसी फिल्म के बाद में इन दोनों को लगातार बैक टू बैक रोल मिलना शुरू हुए थे। ऐसा जैसा मैं आपको बता रही थी कि दो हीरोइंस के बीच में, एक्ट्रेसेस के बीच में थोड़ी तनातनी हो गई थी, वो इसी फिल्म कटी पतंग के कारण हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि शर्मिला टैगोर जी को पहले इस फिल्म का हिस्सा होना था, लेकिन देन शी गॉट प्रेग्नेंट विद सैफ अली खान एट दैट टाइम, इसलिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और आशा पारेख जी गॉट द फिल्म। लेकिन आशा पारेख जी आज तक कभी भी ये बात मानती ही नहीं है दैट शी वॉज द सेकेंड ऑप्शन फॉर द फिल्म एंड नॉट द फर्स्ट। वैसे जो भी हो, हमें तो एंड प्रोडक्ट से मतलब है, तो चलिए कटी पतंग के बारे में बात हो ही रही है तो वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द 70s, प्यार दीवाना होता है, किशोर दा ने क्या खूब गाया था ये गाना। सुनाते हैं आपको ये गाना और उसी के साथ में कुछ देर के बाद बताऊंगी वो कौन थे जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर बैठे थे। इन शख्स के बारे में करेंगे बात, स्टे ट्यून्ड। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से,
जी लाख चुराए कोई सनम से रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से नजर खजी लाख चुराए कोई सनम से आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है हाँ ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो ऐसा लगता है तुम बनके ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भीगो के खेल खेल रही हो खेल रही हो ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो चालू तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं आ छुपा लूं बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं आ छुपा लूं दिल ने पुकारा देखो रुत का इशारा देखो उफ ये नजारा देखो कैसा लगता है बोलो ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा मस्त पवन के ये झुके सैया देख रहे हो देख रहे हो ऐसा लगता है तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel.
हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर ये गाना था फिल्म लोफर से जो सुना आपने, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आप जहाँ कहीं भी मेरे शो वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को सुन रहे हैं, आई होप वहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत रोमांटिक हो रहा है। लव शुड ऑलवेज बी इन द एयर। हम बात कर रहे हैं 70s के ज़माने की और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 70s के ज़माने के कुछ रोमांटिक गाने। वैसे जैसा मैं आपको बता रही थी कि एक ऐसे शख्स थे जो कि 70 के दशक में अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर बैठे थे, नाम है इनका ऋषि कपूर। आप जानते हैं ऋषि कपूर काफ़ी जाने जाते थे फॉर हिज अफेयर्स, हमेशा लड़कियों के साथ में घूमना फिरना बैठना मज़े करना उनको पसंद था, और नीतू सिंह जी उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। इतना कि ऋषि कपूर जी को जो भी पसंद आती थी लड़की तो वो नीतू सिंह जी से तुरंत फ़ोन पे बात करके बोलते थे कि यार ये लड़की बड़ी अच्छी है, इससे बात करूं क्या, तू क्यों नहीं बात करती, चक्कर चलाते ये वो। ब्रेकअप भी होता था तो नीतू सिंह जी को ही फ़ोन करके रोते थे। जो भी था, जो भी अपने लव अफेयर्स की बात थी वो नीतू सिंह जी के साथ में ही करते थे, उनमें कन्फाइड करते थे, और यूं ही बातों बातों में अपनी बेस्ट फ्रेंड नीतू सिंह जी से ही प्यार कर बैठे ऋषि कपूर जी। ऋषि कपूर जी की ही अगली जो फिल्म है, जो गाना है, वो उन्हीं की फिल्म का है, हम किसी से कम नहीं। ये नासिर हुसैन साहब जी की एज अ डायरेक्टर लास्ट सक्सेसफुल फिल्म थी। सुनिए ये गाना और कुछ ही देर के बाद मैं आपको सुनाऊंगी जो सबसे रोमांटिक आवाज़ ऑफ 60s 70s 80s रही, उनकी लव स्टोरी के बारे में। किन की बात कर रही हूँ जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान। ब
वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर, जैसे कोई तेरी नजर ब
बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर दिए जा। वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज 70s के ज़माने के कुछ रोमांटिक गाने आपके लिए लेकर आई हूं और उसी के साथ में उसी ज़माने की कुछ बातें भी आपके लिए लेकर आई हूं। वैसे ये जो कहानी है वो तो 60s की है, लेकिन जो सिंगर हैं उन्होंने 60s 70s 80s सभी दशकों में गाने गाए हैं और बहुत ही बेहतरीन गाने गाए हैं। मैं बात कर रही हूं किशोर कुमार और मधुबाला जी की लव स्टोरी की। आई थिंक मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड लव स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड है। ज़्यादा बात नहीं होती है इस लव स्टोरी के बारे में क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी चली नहीं थी। मधुबाला जी की तबीयत ठीक नहीं रही थी जिसके कारण
इनका साथ ज़्यादा लंबा नहीं रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुबाला जी को प्यार हुआ था किशोर कुमार जी से। किशोरदा को पहले प्यार नहीं हुआ था, पहले मधुबाला जी को प्यार हुआ था। किशोर कुमार जी का वैसे भी एक डिवोर्स हो चुका था, तो वो काफ़ी अकेले थे ज़िंदगी में, और उन्हें जब पता चला कि मधुबाला जी जैसी एक खूबसूरत एक्ट्रेस उनसे प्यार करती हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। मधुबाला जी के प्यार में पड़ने के बाद मधुबाला जी ने बताया था किशोरदा को उनकी तबीयत के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, उनके हाल के बारे में। लेकिन इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते हुए किशोरदा ने ये कहा था कि मुझे जितना भी समय है तुम्हारे पास, वो पूरा समय चाहिए, आज से लेकर के अंत तक वो सारा समय मेरा होना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना समय है, लेकिन जितना भी है वो मेरा है। कहाँ मिलता है ऐसा प्यार आज की तारीख में। अपना धर्म भी बदला था किशोरदा ने मधुबाला जी से शादी करने के लिए, और उसके बाद में मधुबाला जी से इन्होंने शादी की थी। इनफैक्ट मधुबाला जी के तो जन्म में ही प्यार था। आपको पता है इनका जन्म ही वैलेंटाइंस डे पे हुआ था, 14th of February इज हर बर्थडे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम किशोरदा की इस लव स्टोरी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो वो जिनसे हर किसी ने प्यार किया, वो जिन्होंने 4 बार शादी की और 40 बार प्यार किया, किशोरदा की ही आवाज़ में सुनाते हैं आपको अगला गाना, रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से गुम है किसी के प्यार में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। अगला एपिसोड सुनना मत भूलिएगा, जहाँ पर मैं बात करूँगी द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी टैलेंटेड वैजयंती माला जी के बारे में। सुनाऊँगी आपको उन्हीं के कुछ बढ़िया प्यारे गाने। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये अगला गाना। क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। Yeah.
छुपा के क्या अपने होठों में पिया तेरा नाम वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय रा शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई मैं शायर तो नहीं क्या है ये मुझको नहीं थी खबर प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई शायर तो नहीं आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स जवानी है आज की रात क्या सुहानी है रेशमी जिस्म हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं धड़कनों में सुरूर फैला है रंग नगदी को दूर फैला है दावते इश्क दे रही है फजा आज हो जा किसी हसी पे फिदा के मोहब्बत बड़े काम की चीज है काम की चीज है मोहब्बत
मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत से इतना खफा होने वाले चला आज तुझको मोहब्बत सिखा दे। इसमें बसा दे मेरा मशवरा, काम की चीज है, काम की चीज है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.